साथियों का सम्मान करें। साथियों सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के चरणों में नमन और हमारे समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य गुरु जी, माननीय मंत्री जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी साहब, माननीय प्रांत अध्यक्ष महोदय, हमारे कारोबार प्रांत अध्यक्ष महोदय एवं हमारे सभी साथी प्रांतीय महासचिव, प्रांतीय उपाध्यक्ष, प्रांतीय सचिव, संभागीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वो हमारे सभी सदस्यगण, सामने हमारे बहनें भाइयों प्यारे बच्चों पत्रकार बंधुओं, आज आप लोगों ने जो एकता का परिचय दिया है वह अजाज की एकता का साबित होती है। साथियों आप लोगों ने जो धैर्य रखा है उसके लिए हम प्रांत की ओर से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसा कि हम माननीय मंत्री जी महोदय से चर्चा कर रहे थे कि हमारे माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री हैं आप और हमारी बात निश्चित है आप माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं एक पदोन्नति में आरक्षण ये एक टूल्स है जो हर स्तर पर रिप्रेजेंटेटिव भागीदारी सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है 10 मई 2019 का कि जो 16-4 का है वो एक टूल्स है जो हर स्तर पर एक रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने का माध्यम है। बैकलॉग के पद हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हमने बैकलॉग से नियुक्ति हमारे बच्चा किया हमारे पोता करेंगे, अरे हर 6 महीना बढ़ाने की बजाय एक नियम बना दीजिए कि 1 महीना के अंदर विज्ञापन जारी करके मेरिट के आधार पर सभी बैकलॉग की पूर्ति की जाएगी। एक बार बैकलॉग खत्म हो जाएगा, दूसरी बार बैकलॉग आएगा, 1 महीना के अंदर बैकलॉग की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन अधिकारियों की क्षमता होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं, क्या ऐसी मजबूरी है कि जो है जीएडी जो है नियम नहीं लागू कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हित के जो अधिकारी हैं वो उस माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा पूरी नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों की क्यों बात मानी जा रही है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो संविधान कहता है, जो नियम कानून कहता है, जो आरक्षण अधिनियम 1994 कहता है उसके हिसाब से आप पदोन्नत नियम बना दीजिए और जो होगा देखा जाएगा। और अभी आप देखिए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, अभी हम निवेदन कर रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह हमारे साथ जो है भेदभाव किया गया, जो नियम जारी किया गया है आपको डार्क में रखकर अंधेरे में रखकर किया गया है कि सभी लोगों का इसमें हम पदोन्नति कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय निवेदन करना चाहूंगा ये दिखाने के लिए है, जैसे हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं खाने के अलग होते हैं, ये हमारा समय समय आरक्षण समाप्त करने का है। तो आप अपने पावर का उपयोग करें माननीय मंत्री महोदय और इसको निरस्त किया, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो ग्वालियर में 12 जून 2016 को, दिसंबर 2015 में ग्वालियर में और 12 जून 2016 को जो भोपाल में घोषणा की थी उसके पूर्ति कराने के लिए आप ठोस कार्रवाई करेंगे। और छात्रों की छात्रवृत्ति समय में नहीं मिल रही है, साल में एक बार मिल रही है, चार या दो बार मिल रही है, जिससे हमारे काफी छात्र जो है पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि छात्रवृत्ति जो है मंत्री मिले ताकि हमारे सभी छात्र जो है रेगुलर अपनी पढ़ाई कर सके। और अतिथि विद्यार्थ जो पीएससी पास हैं उनको नियमित नियुक्तियां की जाए, मेरा निवेदन है। अनुसूचित जनजाति के जो विशेष घटक योजना है जो हितग्राही मूलक में उसको 70% उपयोग किया जाए। चिकित्सा शिक्षा विभाग में एकल पोस्ट करके जो निजी करके सब पोस्ट समाप्त कर रहे हैं उसको प्रथा को समाप्त करके एक जाई रोस्टर जो है एचओडी लेवल बनाई जाए। और अभी जो घोषणा की है कि चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी